हेलो everyone and एंड वेलकम बैक टू video of वीडियो ऑफ Skylights Important MCQs for Economic Series. ये सीरीज़ आपको हेल्प करती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो आपको ट्वेल्थ एंड आपके CUET Economics इकोनॉमिक्स दोनों एग्जाम्स में हेल्प करेंगे तो डिस्कस करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टेन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन डैश फॉर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विदेल्प ऑफ फैक्टर्स सर्विसेज तो चलिए पहले बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सबसे पहले एक होता है प्रोडक्शन फेज ठीक है प्रोडक्शन फेज का मतलब इसे हम जनरेशन फेज भी बोलते हैं यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है विद हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज को फिर जनरेट होती है इनकम तो दिस इज जनरेशन ऑफ इनकम फेज यानी इनकम जनरेशन फेज या आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी बोल सकते हो जब ये इनकम्स अर्न होती हैं तो इसको खर्च किया जाता है स्पेंड किया जाता है टू बाई दीज फेज भी बोलते हैं तो ये है अब जब यहां से खर्चे होंगे तो फिर और ज्यादा प्रोडक्शन होगी क्लियर तो इस तरीके से ये तीन फेजेस हैं जो हमेशा नेवर एंडिंग वे में चलते रहते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इन डैश

डे इनकम रिसीव बाई फोडक्शन स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विस में इनकम को खर्च किया जाता है स्पेंड किया जाता है तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा एक्सपेंडिचर फेज दट इज डिस्पोजिशन फेज तो राइट आंसर है नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन होती है यहां पे तो जनरेट होती है दीज नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरेस्ट प्रॉफिट फ्रॉम फॉर्म टू दाउस होल्ड फॉर्म्स अप रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट के रूप में क्या दे रहे हैं उनको फैक्टर पेमेंट जो कि हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या होगा फैक्टर इनकम्स यानी यहाँ पे जनरेट हो रही है इनकम्स दैट इज इनकम जनरेशन फेज जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज ओके एवं बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन डैश रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स ओके फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स क्या जा रहे हैं यहां से हमारी फैक्टर सर्विसेस ओके एंड कॉरेस्पोंडिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस फ्रॉम फॉर्म्स टू हाउस होल्ड जब भी फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो पर जब मनी का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो यानी जो भी एक्सपेंडिचर्स जो भी पेमेंट होंगी दैट इज मनी फ्लो पर यहाँ पे सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेस दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर मनी तो यहां से फ्लो ही नहीं हो रही है इनकम फ्लो हो नहीं सकता तो रियल फ्लो इज द राइट आंसर ओके नाउ फिफ्थ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल फ्लो अब देखिए रियल फ्लो के अपोजिट क्या है नॉमिनल फ्लो दैट इज यहां पर हम बात कर रहे हैं मनी फ्लो की ओके इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम

बिल्कुल सही है यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज फ्लो कर रही है कोई मनी फ्लो नहीं हो रहा तो ये तो आंसर है पर एक बार हमारे पास यहाँ पे देखिए बोथ ए एंड बी के भी ऑप्शन है तो बोथ ए एंड बी यानी कि हमें एक बार बी ऑप्शन भी देख लेना चाहिए तो देखिए फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड देखिए फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड तो ये भी रियल फ्लो है ओके तो इस हिसाब से बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर ओके तो ये नहीं होगा क्लियर दिस इज द राइट आंसर तो फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड ये मनी फ्लो हो रही है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सेवन तो देखिए डैश इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड इन सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी अब टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास एक है प्रोड्यूसर सेक्टर एक है हाउस होल्ड सेक्टर टोटल कंजम्पशन जो होल्ड ने किया इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी इतना उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन तो टोटल इनकम नहीं हो सकता पेमेंट भी नहीं हो सकता रियल फ्लो भी नहीं है इट इज टोटल प्रोडक्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओके नाउ

सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नेट इनडायरेक्ट टेक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन अब जब डेप्रिसिएशन हो रहा है माइनस तो यानी कि किसी चीज में डेप्रिसिएशन था उसको वहां से निकाला गया तो वो ग्रॉस कॉन्सेप्ट था तो ये कुछ ग्रॉस कॉन्सेप्ट था अब नेट इनडायरेक्ट टेक्सेस

जीडीपी एट एमपी तो चलो है इसके बारे में हमने बात कर ली है तो जीडीपी एट एफसी अगर मैं करूं मैं अगर ग्रॉस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स करूंगी मैं एन पे जाऊंगी पर फैक्टर कॉस्ट में तो एनआईटी होता ही नहीं वो तो एक्सक्लूसिव है तो मैं माइनस कर ही नहीं सकती हूं तो ये ऑप्शन गलत हुआ अब नेट में ऑलरेडी है मैं इसमें से क्या डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी ये तो पहले ही नेट में है ठीक है चलो अब आते हैं एमपी

Fc. Okay. Chal. The last question is. Dash is also known as domestic income or domestic factor income. अब domestic income किसे बोलते हैं वो बिल्कुल national income से different है उसका answer है इन्हीं चार options में तो ठीक है इसका आंसर आप मुझे करोगे कमेंट सेक्शन में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं उस रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर सही है कि गलत और सही आंसर मैं उसी में ही पोस्ट करूंगी ओके okay? तो ये है टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे फॉर प्रैक्टिस इन बोर्ड एग्जाम्स एज एज वेल एग्जामी का इकोनॉमिक्स एग्जाम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इसके अलावा अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो या मेरी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है आप हमारी वेबसाइट से ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो थैंक यू